हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं CSS के बारे में। और इसके पहले अभी हमने CSS के दो टाइप देखे, वन विल डिस्कस अबाउट इंटरनल, सेकंड इनलाइन। लेकिन आज हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हमने देखे। इनलाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कि इनलाइन को अगर आप यूज करते हैं देन एवरी टाइम यू हैव टू राइट स्टाइल इन एवरी टैग, कि आपको बार बार स्टाइल टैग को यूज करना पड़ेगा, राइट। तो फिर हमने सेकंड कॉन्सेप्ट देखा इंटरनल, कि इंटरनल में वी आर गोइंग टू क्रिएट वन स्टाइल एंड सेट द प्रॉपर्टी इनसाइड दिस स्टाइल एंड देन वी कैन यूज मल्टीपल टाइम, बट इट इज ओनली फॉर अ सिंगल पेज। लेकिन यदि मान लो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि बस मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बनानी है जहां पर मुझे मल्टीपल पेजेस में सिमिलर इफेक्ट चाहिए, राइट, तो बेटर है फिर इनलाइन या इंटरनल की बजाय हम यूज करेंगे एक्सटर्नल। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि यदि आप एक्सटर्नल CSS को यूज करते हैं, एक्सटर्नल टाइप ऑफ स्टाइल शीट यूज करते हैं, सो दैट इट इज फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पूरे प्रोजेक्ट पे अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम स्टाइल को यूज करेंगे। तो यहां दो पेजेस तो ऑलरेडी हैं हमारे पास, अभी पहले स्टाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम मल्टीपल पेजेस पे इसका इफेक्ट देखेंगे, ओके। तो फर्स्ट यहां पर मुझे क्या करना है, आई नीड टू क्रिएट वन .css फाइल। तो सिंपली हमने यहां पे क्लिक किया और यहां पर इसका नाम मैंने रखा style.css, ठीक है। नाउ दिस इज ऑलरेडी अ css फाइल, राइट, जिसको हमने नाम दिया style.css। तो यहां पर अब मुझे ना कोई स्टाइल टैग यूज करना है, ना कोई स्टाइल एट्रीब्यूट, डायरेक्टली मुझे उस टैग का नाम देना है। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि सपोज यहां पर अगर मैंने एक टैग बना लिया डेटा फ्लेयर के नाम से, ठीक है, आई नीड टू क्रिएट अ टैग विद द नेम डेटा फ्लेयर। तो इस डेटा फ्लेयर टैग में नाउ वी नीड टू डिफाइन कि अब इसमें आपको क्या क्या साइज रखनी है। हमने बोल दिया फॉन्ट सपोज साइज 25, ठीक है, देन सेकंड आपको देना है सपोज यहां पर हमने लिख दिया कलर, कलर हमने ले लिया सपोज ब्लू, ठीक है, एंड देन फॉन्ट सपोज फैमिली, फॉन्ट फैमिली में अगर मैंने ले लिया मान लो एरियल या जो भी आप लेना चाहें, एंड सिमिलरली यू कैन सेट मोर प्रॉपर्टी लाइक फॉन्ट वेट क्या रखना है, स्टाइल क्या रखना है। मान लो मैंने बोल दिया फॉन्ट स्टाइल इज समथिंग इटैलिक, ओके, तो ये इफेक्ट अब मुझे अपने मल्टीपल पेजेस पे चाहिए। तो आई क्रिएटेड एक्चुअली डेटा फ्लेयर प्रॉपर्टीज, तो अब इस डेटा फ्लेयर को अगर मुझे यूज करना है किसी HTML पेज पे, राइट, कि ये इफेक्ट मुझे किसी HTML पेज पे चाहिए, तो चलिए मैं यहां पर पहले एक नया HTML पेज क्रिएट करता हूं, फिर हम उसको एग्जिस्टिंग में भी चेक कर लेंगे। तो यहां पर हमने नाम दिया सपोज इसका टेस्ट CSS, नॉट द टेक्स्ट फाइल, बाय डिफॉल्ट गलती से की मिस्टेक हो गई है, सो आई विल जस्ट डिलीट दिस एंड क्रिएट अनदर पेज टेस्ट CSS 3.html, ठीक है। ऑलरेडी हमने style.css बना लिया है, लेकिन अब यहां पर अगर मुझे ये इफेक्ट चाहिए तो आप देखिए स्टेप 1 पे मैं गलत स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कारण आपको उसका बताता हूं। सपोज मैंने लिख दिया दिस इज सेंटर में, सॉरी हमने बेसिक HTML टैग यूज कर लिया, ठीक है, HTML / HTML, ठीक है, एंड देन आफ्टर HTML / HTML के बाद हमने हेड टैग को ले लिया, ठीक है, हेड / हेड, देन विल टॉक टाइटल, टाइटल में हमने ले लिया डेमो एक्सटर्नल CSS, ठीक है, एंड देन / टाइटल, टाइटल एंड / टाइटल, ठीक है। तो ये मेरा हेड टैग रेडी, देन विल गो फॉर बॉडी, और बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में अब यहां पर अगर मान लो मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, सपोज मैंने यहां पर सेंटर में सेंटर इसलिए लेते हैं ताकि इफेक्ट प्रॉपर हमें दिखे, राइट। तो सपोज मैंने लिख दिया दिस इज अ डेमो क्लास ऑफ CSS एक्सटर्नल, ठीक है, एंड दिस इज फ्री डेटा फ्लेयर कोर्स, ना सपोज ये आपका डेटा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं, और इसे आपने मल्टीपल, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इस तरीके से मैंने मान लो मल्टीपल टैग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे इस पर इफेक्ट चाहिए अपना इस टैग का जिसको हमने style.css क्रिएट किया है डेटा फ्लेयर के नाम से, राइट। तो यदि इस पूरे टेक्स्ट पे आपको ये इफेक्ट चाहिए, तो सपोज मैंने टैग यूज कर लिया डेटा फ्लेयर, ठीक है, डेटा फ्लेयर इसी नाम से हमने बनाया था, राइट, इसको हम चाहे तो कॉपी कर लें डेटा फ्लेयर, ठीक है, एंड देन आई क्लोज दिस / डेटा फ्लेयर,
ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रन करता हूं तो आई होप आपको पता है कि मुझे इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। रीजन इज दैट हमने जब एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट की है तो सबसे पहले मुझे इसको यहां पे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन आफ्टर आई एम गेटिंग द इफेक्ट ऑफ दिस। तो हमने हेड पार्ट में, अब यहां पे अगर मुझे लिंक करना है तो याद है मैंने आपको टैग बताया था लिंक, इस लिंक टैग में आपको सबसे पहले बताना है रिलेशन, तो रिलेशन हमने बता दिया दिस इज स्टाइल शीट, ठीक है, एंड देन टाइप, तो हमने टाइप बता दिया दिस इज टेक्स्ट स्लैश CSS, ठीक है, एंड देन थर्ड यू हैव टू राइट HREF, हाइपर रेफरेंस। तो हाइपर रेफरेंस में आपको लिखना है उस स्टाइल शीट का नाम। वंस आई लिंक दिस CSS फाइल विथ माय पेज, देन ओनली आई एम गोइंग टू यूज एनी टैग ऑफ दिस। ये जो मैंने प्रॉपर्टी सेट की है डेटा फ्लेयर, इट इज ओनली इफेक्टिव व्हेन आई लिंक दिस पेज, क्योंकि एक्सटर्नल CSS की हम बात कर रहे हैं। जब हमने इंटरनल देखा था तो हमने हेड में ही H1 टैग को डिफाइन कर दिया था, लेकिन इसका डिसएडवांटेज हमने देखा कि इट इज ओनली फॉर अ सिंगल पेज। लेकिन ये अगर मैंने एक बार style.css फाइल बना ली है तो दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी इन एनी टैग। आप देखिए मैं इसी को एक काम करता हूँ, ये तो हमने एक डेटा फ्लेयर बनाई, मैं H1 H2 को भी यहाँ डिफाइन कर देता हूँ इनसाइड दिस, मतलब वहां तो हमने कॉपी कराए, यहाँ पर मैं इसको यहाँ भी डिफाइन कर देता हूँ। तो यदि मान लो मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सो दैट द एडवांटेज इज दैट, ठीक है, यदि मान लो हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो इसका एडवांटेज ये है कि नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस H1 H2 इन एनी पेज। अब मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूं। तो अभी हमने इसको यूज किया है कहां पे, टेस्ट CSS 3 में। तो चलिए एक बार यहां पर इसका इफेक्ट देखते हैं हम, सॉरी ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, लेट्स सी। अब आपको इसका इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, zigzag है क्योंकि हमने कोई पैराग्राफ नहीं बनाया है, ठीक है, मैं यहां पर एक पैराग्राफ ले लेता हूं, तो आपको ठीक है पैराग्राफ में डेटा दिख जाएगा, और ये पैराग्राफ हमने यहाँ पे, इसको भी हम स्टाइल में यूज कर लेंगे अभी, डोंट वरी, ठीक है। तो नाउ व्हेन आई रन दिस, ये देखिए दिस आर द 3 डिफरेंट स्टेटमेंट जिस पर मुझे डेटा प्लेयर के ये इफेक्ट दिख रहे हैं, ओके। और अब यहाँ पर आप देखिए यदि मैं यहाँ H1 को भी यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैंने डेटा प्लेयर यूज किया, इफ आई एम गोइंग टू यूज H1, ओके, H1 एंड स्लैश H1, ठीक, तो नाउ व्हेन आई रन दिस आई एम गेटिंग दिस H1 इफेक्ट। अगर मैं H2 को यूज करता हूं तो मुझे H2 के इफेक्ट दिखेंगे, क्योंकि अब आपने इन टैग्स को भी, से दिस वन, तो दिस इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बॉस एक बार आप स्टाइल शीट क्रिएट कर लीजिए। अब यहां से आप देखिए, अगर मैं अपने इस पेज से टेस्ट CSS 2 से अगर इसको हटा देता हूं, ठीक है, अगर मैंने स्टाइल हटा दिया कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो आप इसको, लेकिन अगर मैं अब इसको रन करूंगा अभी फिलहाल, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी इफेक्ट, क्योंकि आप टेक्स्ट को हटा चुके हैं। अब इस पर अगर आपको वो इफेक्ट चाहिए तो सिंपल देखिए टैग सारे लिखे हुए हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, जो हमने यहां किया था लिंक करना है फाइल को, तो इसी को मैं कॉपी करके इस पे पेस्ट कर देता हूं। ये मेरी सेकंड पेज, आप देखें ये थर्ड पेज है, ये मेरा सेकंड पेज है, जैसे ही मैंने लिंक किया स्टाइल शीट को, नाउ आई एम गोइंग टू यूज, ये मेरे इफेक्ट आ गए। सो बेस्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन क्रिएट योर स्टाइल वंस एंड यूज इट एनीवेयर, जो हमने बात की थी राइट वंस यूज रन एनीवेयर, तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस style.css, एंड रिमेंबर देयर इज ओनली वन style.css फाइल इन वन प्रोजेक्ट, डोंट क्रिएट मल्टीपल, राइट। अगर आपको और इफेक्ट बनाना है तो आप इसी में मल्टीपल टैग क्रिएट करते जाइए, जैसे मैंने एक डेटा फ्लेयर के नाम से ले लिया, एक H1 ले लिया, एक हमने H2 ले लिया, इसका मीनिंग ये है कि आप कोई भी टैग अपने नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर ऑन प्रॉपर्टी, राइट। तो कैसे यूज करना है, आई होप समझ में आपको आया होगा कि वंस यू कैन, अब देखिए इस पेज पे कहीं कोई स्टाइल नहीं है, ना कोई मैंने एट्रीब्यूट यूज किया है इस पेज पे, देयर इज नो स्टाइल नो एट्रीब्यूट, ठीक है, ये हमने स्टाइल को यूज किया है, बट आप चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं, कट इट। सो नाउ यू कैन सी द इफेक्ट, आपको यहां पे इफेक्ट शो हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है, तीनों ऑप्शन हमने देखे, बहुत अच्छे से हमने समझे, और अभी ये केवल इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने अभी ना आपको कोई प्रॉपर्टी के बारे में बताया है ज्यादा, केवल हमने ये समझा कि हाउ टू यूज दिस स्टाइल शीट type 1 type 2 एंड type 3। type 1 में हमने देखा इनलाइन, type 2 में हमने देखा इंटरनल, और type 3 में हमने देखा एक्सटर्नल। तो आज जो हमने बात की वो एक्सटर्नल की थी, तो क्या किया समझ में आया, सबसे पहले हमने स्टाइल शीट क्रिएट की, style.css फाइल क्रिएट की, ठीक है, देन आफ्टर जो भी प्रॉपर्टी हमें सेट करना थी वो प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी, एंड देन आफ्टर हमने उसको लिंक कर दिया हेड पार्ट में, दिस इज हाउ टू लिंक इट, गॉट इट। तो यहां पर अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम
यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। तो दिस इज द थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने बात की, और आप इनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखिए, क्योंकि अब इसके बाद हम एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे अब हम देखेंगे फॉन्ट का इफेक्ट, इमेजेस का इफेक्ट, लाइंस इफेक्ट, वन बाय वन बात करेंगे। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं इनमें से कुछ चीज, तो प्लीज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल करिए, वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे अभी बहुत लंबा रास्ता है CSS का और बहुत इंटरेस्टिंग बड़ा शानदार रास्ता है कि जहां पर हम मल्टीपल टैग्स अभी देखने वाले हैं यूजिंग CSS, मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं यूजिंग CSS। तो बने रहिए और प्रैक्टिकल करते रहिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।